ऊंचे देवदारों की लंबी श्रृंखलाएं, कल कल बहते झरने तथा बर्फ की मोटी चादर से लिपटे पहाड़ सैलानियों को न सिर्फ रोमांचित कर रहे हैं बल्कि मैदानों में बढ़ने लगी तपिश से भी लोगों को राहत दे रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में शुरू हो चुकी गर्मी की तपिश के चलते लोग पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। पहाड़ों पर जमी बर्फ सैलानियों को आकर्षित कर रही है तथा यहाँ लोगों को मैदानों में तपती सूरज की गर्मी से भी राहत मिल रही है। इस दौरान पर्यटक वाहनों की भारी आवाजाही के चलते सड़कों पर जाम लग जा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी पर्यटकों के उत्साह में कोई कमी आती नहीं दिख रही। यहां के दो विख्यात पर्यटन केंद्रों डलहौजी तथा खजियार में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। सप्ताहांत में पड़ोसी राज्य पंजाब समेत हरियाणा तथा जम्मू आदि से भी यहाँ सैलानी पहुँचते हैं। आज डलहौजी के लक्कड़ मंडी स्थित स्नो पॉइंट तथा मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात खजियार के बीच पड़ी बर्फ में सैलानी मस्तियां करते नजर आ रहे हैं। मुंबई से पहुंची महिलाओं के टूरिस्ट ग्रुप के अनुसार यहां की साफ सुथरी आवो हवा से वो काफी रोमांचित हैं तथा मेट्रो सिटी की भागम भाग से दूर यहां शांत माहौल उन्हें खूब भा रहा है। मुंबई से पहुंची इन महिलाओं ने हिमाचल टॉप न्यूज से बात करते हुए कहा है कि यहाँ का मौसम बहुत ही बढ़िया है तथा यहाँ का कुदरती सौंदर्य भी अनुपम है। उनके अनुसार वे पहली बार यहाँ पहुँची हैं तथा काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि फिर से यहाँ आएं और यहाँ की वादियों की सैर करें। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं। बताते चलें कि मुंबई की ये सभी महिलाएं इस दौरान काफी उत्साहित नजर आई। उधर दूसरी ओर यहाँ देश के दूसरे राज्यों से पहुंचे पर्यटक भी यहाँ को मनोहारी वादियों को निहार कर काफी खुश नजर आए तथा बर्फ में अटकेलियां करते नजर आए। जाम की समस्या भी इनकी खुशी के आगे बोनी नजर आई। हिमाचल टॉप न्यूज के लिए डलहौजी से सोनू टंडन की रिपोर्ट। ग्रेट विजिटिंग योर टाउन, स्नो पॉइंट वाज अ ग्रेट सरप्राइज फॉर अस एंड दिस ग्रीन ब्यूटी इज अ एक्सीलेंट इवेंट फॉर अस। थैंक यू सो मच। अभी हम यहाँ से चंबा जाएंगे और वहाँ का व्यूज देखेंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, वेरी नाइस। आप स्नो पॉइंट गए मैडम, आपको स्नो पॉइंट कैसा लगा? स्नो पॉइंट इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हम कर्नाटक से इधर आए, बहुत एंजॉय करे, ये हमें मिनी स्विट्जरलैंड लग रहे। थोड़ा सा